तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान किस तरह से बॉर्डर की निगरानी करे हुए हैं, ये जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम भारत पाकिस्तान को जल के रास्ते विभाजित करने वाली चिनाब पोस्ट पर पहुंची। देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा पर। आपको बता दूं, जहां पर हम इस पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी वो है जो जम्मू कश्मीर में जब मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा उफान इसी नदी में आता है, और यही नदी सबसे खतरनाक होती है। तो उसका तोड़ ये नाव है जिसमें हम इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं। ये नाव ट्विन इंजन टर्बो स्पेशल नाव है जो पानी के करंट के साथ दौड़ती है, और इस समय ये मैं आपको बता दूं, ये नदी पूरे उफान पर है, यानी इसका जल स्तर बहुत बढ़ चुका है। हालांकि इसमें इतना जल स्तर नहीं होता, लेकिन इसको लेकर भी हमारे जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और इस समय हमारे साथ कुछ जवानों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से इनका पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से इनकी दिनचर्या रहती है। यहाँ सर 24 घंटा चलती है सर जी, दिन रात हमेशा 24 घंटा रहती है सर। 24 घंटा हमारे गश्त लगी रहती है, ड्यूटियाँ लगी रहती है, और हम लोग टीम वाइज बैठी होती है सर, उसी टीम से हम हमेशा यहाँ 24 घंटे करते हैं सर। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली BSF में आने की? अरे ये मेरे सर बचपन से ही थे, और हमारे BSF में सर हमारे पड़ोसी थे, हमारे चचे के कजन लोग सारे थे, इसीलिए हमें सर BSF में हमारे बचपन से ही थे सर कि मैं BSF में जाए, और इस तरह से मैं अपने परिवार वाले से सर जुड़े रहते हैं। तो लाइन आप घर वालों से बात लास्ट कब हुई थी आपकी? सर अभी मुझे जब ड्यूटी ऑफ हुई थी सर, नाइट ड्यूटी करने के बाद हुई थी, तब बात हुई थी सर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जवान 24 घंटे ड्यूटी पर लगे रहते हैं, और लगातार इनकी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दें, ताकि लोग जो अपने घरों में सुरक्षित रहें, और बिल्कुल किसी तरह के भी जिस तरह जितने भी परिवार हैं, चाहे 15 अगस्त उसके बाद जितने परिवार हैं, वो अपने घर में खुशी से मना सके। विकास अरबोल, भारत एक्सप्रेस के लिए अखनूर सेक्टर से।